हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्नवृद यतिमन। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान में जिलेवार नई भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होते हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं। तो बिल्कुल मेन साइट पर जाकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगी, ताकि आप लोग आगामी जो भी भर्तियां आती हैं तो उनके फॉर्म फिल करें, जहां पर कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसी जो सरकारी जॉब की भी बात करेंगे, यहां पर 9 वैकेंसी की लिस्ट जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिनकी लास्ट डेट जो है वो अभी नहीं निकली है, और आप लोग समय से पहले यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके की जो है भर्ती की बात मैं यहाँ करूँगी। 1886 पदों पर राजस्थान ब्लॉक रिसर्च पर्सन की अभी जो है विज्ञापन जारी हुए हैं कई जिलों के, और कुछ जिलों के अभी आने बाकी हैं। तो आप अपने जिले की कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। आंगनवाड़ी भर्ती जो है वो कई जिलों की निकल गई और अभी कुछ जिलों की आनी बाकी है। ग्राम सेवक भर्ती जो है ये कब निकलती है, ठीक है, तो सारी चीजें जो है यहाँ पता लगेगा। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय राजस्थान में जो है वो जून माह तक जो है विज्ञापन निकले और लास्ट डेट भी निकल गई, स्टूडेंट को पता ही नहीं चला। तो आगे से जो है ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ हम 12th से स्नातक स्तर की ऐसी वैकेंसी जहाँ ना कोई आपका जो है वो एग्जाम होता है, ना कोई आपका इंटरव्यू होता है, तो ऐसी वैकेंसी जो है जिले वाइज जो है वो निकाली जाती हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो चलिए मेन साइट पर जाकर हम देखेंगे एक एक जिले की जो है वो हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को नागौर जिले की बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि नागौर जिले के देखने के लिए जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं जिले वाइज, जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हो और तुरंत जो है वो अर्न कर सकते हो, या फिर सरकारी जॉब कर रहे हो तो साइड में वर्क कर सकते हो। जैसे कि नागौर जिले की अगर आपको देखनी है तो आप गूगल पर टाइप करेंगे नागौर, NAGAUR, नागौर डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। आपने गूगल पर ये टाइप किया, ठीक है, और आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। या आप किसी भी जिले की आप टाइप करेंगे, हनुमानगढ़ की, राजसम्मत की, पाली की, तो आप सबसे पहले अपने जिले का नाम लिखेंगे। जैसे पाली का लिखा आपने पाली डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, गूगल पर आप लोगों को ये टाइप कर लेना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। हर जिले का जो है पेज यही ओपन होगा, ठीक है। अब ये जिला नागौर राजस्थान सरकार, इसका पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दस्तावेज हैं यहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिनको इंग्लिश में कहते हैं, तो इस दस्तावेज पर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो दस्तावेज सभी आपको नजर आएंगे, तो आपको सभी दस्तावेज पर क्लिक कर लेना है। तो अभी जो है यहाँ लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि नागौर जिले से जो है इन्होंने COVID-19 आदेश, तो ये 12 आदेश हैं, मीडिया में विभाग की खबर 3 है, आदेश 2 हैं, भर्ती संबंधी 20 हैं। तो आपको तो देखना है भर्ती संबंधी, ठीक है, तो भर्ती संबंधी पर जो है वो आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है वो भर्ती संबंधी जो पूरी लिस्ट है, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो निकली है, जो कि 25 जुलाई को जो विज्ञापन जारी हुआ, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण, ठीक है। अब इसकी जो है वो निकल गई, डेट निकल गई। एक स्टूडेंट ने पूछा मैम नागौर की जब आए तब आप बताना, ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाया बट समय पर नहीं देखा, तो ये निकल गई, ठीक है। इससे पहले जो है आप देख सकते हो यहाँ पर और भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुए हैं, जो भी आप जारी होंगे तो वो यहीं पर जो आपको दिखाई देंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, विभिन्न पदों पर संविदा आधार नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण, ठीक है। तो आपको जो है जितनी भी भर्ती संबंधी जो भी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो आपको जो लेटेस्ट जो अभी निकली है दस्तावेज, तो इस पर जो है वो आप क्लिक कर लेंगे। ये जो आपको दस्तावेज विवरण देखें, ठीक है, तो ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु जो विवरण है आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पर आप जो है वो क्लिक कर लेंगे। तो ये जो है नोटिफिकेशन, आपको पता है अभी जो और भी जिलों में निकलेगी तो वहां पर क्वालिफिकेशन यही रहेगी, स्नातक, आयु 21 से 64, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, और साथ में अगर आपने कंप्यूटर का RSCIT किया है या कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। पेमेंट आपको पता है कि ₹500 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस, यानी हर दिन जो है वो आपको काम करने के ₹500 मिलेंगे। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो नागौर की 2 अगस्त को निकल चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने जिले की देखना है, क्योंकि अभी जिले वाइज जैसे ही निकलेगी तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पर जो है वो अगर आप राजसमंद जिले के हैं तो राजसमंद जिले की जो है वो आपने मेन साइट खोलने के लिए गूगल पर आपने सर्च किया राजसमंद डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस वीडियो को आप अच्छे से जो है वो देख लेंगे तो आगे से जो जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी जो कि पता नहीं चलती है,
जिले वाइज, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जैसे नागौर जिले में हिंदी में लिखा था दस्तावेज, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है डॉक्यूमेंट, तो ऑल डॉक्यूमेंट जो है इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं राजसमंद जिले के, वो सभी जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी आंगनवाड़ी जो भर्ती निकलेगी, ठीक है, इसके अलावा आप जो इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वैकेंसी जून में निकल चुकी थी, स्टूडेंट को पता नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑल डॉक्यूमेंट आपके जो ओपन हो गए, अब 27 जुलाई तक के जितने नोटिफिकेशन जारी हुए हैं अभी तक, जैसे अभी जो है इसकी डेट नहीं निकली है, यूटीबी आधार पर चिकित्सक नर्सिंग कर्मी एएनएम और जीएनएम पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, ठीक है। तो ये जो है वो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, राजसमंद जिले से आई है 27 जुलाई। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ व्यू अटैचमेंट, तो ये जो है कंप्लीट डिटेल में आ गया आपका। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता चिकित्सा अधिकारी की एमबीबीएस या आरएमसी काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, जीएनएम के लिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या आरएनएमई काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, या एएनएम के लिए जो है यहाँ पर एएनएम प्रशिक्षण और आरएनसी काउंसिलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया है, ठीक है। तो इसकी डेट भी जो है वो निकलने वाली है 7 अगस्त 2023 को 6 बजे तक, दिए गए लिंक पर जो है आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। अभी जो है वो हम उन 9 सरकारी जॉब को देख लेते हैं जिनकी अभी डेट नहीं निकली है और काफी अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पर आई है। लास्ट डेट जो है वो अगस्त माह में ही जो है ये सभी वैकेंसी हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 तारीख को जो है राजस्थान पुलिस की जो है वो वैकेंसी निकली, और यहाँ पर 3,578 जो है वो पोस्ट हैं कांस्टेबल के। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर 12th मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, और लास्ट डेट जो है वह है 27 अगस्त, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी नागौर जिले की जो ब्लॉक रिसर्च पर्सन की है ये निकल चुकी है, यहाँ पर येलो में जो हाईलाइट कर दिया है मैंने, तो इनकी सभी की अभी डेट बाकी है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर की 277 पोस्ट की निकली है, मैंने वीडियो बनाया था, आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर 12th मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर में। 30 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद राजस्थान IDEED में यहाँ पर कंटेंट राइटर ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 548 जो पोस्ट हैं इसमें 12th डिप्लोमा और डिग्री मांगा गया है, ठीक है। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान हाई कोर्ट की जो डेट है वो निकल चुकी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की अभी मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कई वैकेंसी हैं, 258 पोस्ट हैं, और यहाँ लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430 पदों पर भर्ती निकली है, सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, जितनी भी ये वैकेंसी हैं यहाँ पर 12th इन एग्रीकल्चर और साथ में बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से आपने किया है, 13 अगस्त लास्ट डेट है। कंप्यूटर की जो है यहाँ पर 583 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, 12th मांगा गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या कोई डिप्लोमा मांगा गया है या फिर बैचलर डिग्री मांगा गया है। 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। जीएनएम के पदों पर 1588 पदों पर वैकेंसी है, जीएनएम कोर्स मांगा गया है, 8 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ की 2058 पोस्ट निकली हैं, जहां पर 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है, और साथ में जो है यहाँ पर अगर आपने नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। 8 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर जो है यहाँ वोमेन के लिए काफी पदों पर वैकेंसी आई है। आरपीएससी की तरफ से जूनियर लीगल ऑफिसर के 140 पोस्ट पर वैकेंसी है, यहाँ पर जो है डिग्री इन लॉ में, ठीक है, ये मांगा गया है 9 अगस्त। उसके बाद जो है यहाँ पर ये डेट जो है वो निकल गई, स्वीपर की 13,184 पोस्ट पर वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राजस्थान की तरफ से निकाली गई थी, और कल ही जो है इसकी लास्ट डेट निकल गई है। तो ये जो 9 वैकेंसी हैं ये सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ जो है वो आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो आप जरूर जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट जो है यहाँ पर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।